समय के साथ अगर आप लोग नहीं बदलिएगा तो फिर वही देखने को मिलेगा अगले 10 सालों के बाद कि जहां से आप लोग स्टार्ट किए थे लास्ट में घूम फिर करके वहीं पर आकर के आप लोग को वक्त ने पटक दिया है दोस्तों। जी हाँ, हमारे प्यारे साथियों, आप लोग को बतलाना चाहेंगे, देखिए आजकल एडवांस जमाना आ चुका है, बहुत ही आगे का सोच करके लोग यहाँ पर जो है अब के समय में कार्य कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप लोग रेलवे ग्रुप बी में जॉब लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को अभी से एकदम तत्पर होने पड़ेगा, और जिस प्रकार से आप लोगों को बतला रहे हैं ठीक उस प्रकार से अपने स्टेप को आगे बढ़ाते चलना है ताकि आने वाले समय में आप लोग का 100% जो है ग्रुप बी में जॉब मिल पाए साथियों। क्योंकि देखिए अभी के समय में चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी सीजीएल ही क्यों ना हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन ही क्यों ना हो, अब जॉब लेना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुका है, कॉम्पिटिशन अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है दोस्तों। और इसी के बीच में आप लोगों को बता दें, जितने भी तेज स्टूडेंट हैं, जितने भी भैया एडवांस सोच रहे हैं ना, उनके लिए अभी जॉब लेना बहुत ही आसान हो चुका है। अब आप लोग बोलिएगा भैया ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, आखिर मैंने क्या नहीं किया? तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दें कि जब रेलवे ने जारी किया था कि आप लोगों को नेक्स्ट बार जब ग्रुप डी में वैकेंसी निकाली जाएगी तब आईटीआई पर निकाली जाएगी, पहली गलती आप लोग की क्या है, आप लोगों ने आईटीआई नहीं किया। अब दूसरी गलती क्या है, अब आइए इस सेशन को देखिए और समझिए, और इस सेशन को समझ करके उस गलती को सुधारिए, और फ्यूचर में जो ग्रुप डी वाली वैकेंसी आने वाली है उसमें किसी भी प्रकार से जॉब लेने की कोशिश करिए दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, और बता दें दोस्तों हम लोग जिस टॉपिक पर अभी बात करेंगे वो स्पेशली हम लोग का रेलवे ग्रुप डी की आने वाली भर्ती को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों आप लोग को बता दें, कभी भी आप लोग जो है ग्रुप डी में जॉब लेना के लिए आप लोग जैसे अभी से मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि भैया मेरे जो 100 में 80 आ जाए 70 आ जाए, मगर नहीं आ रहा है, तो फिर भी मान लीजिए आप लोग का 70 ही चलिए ना आ रहा है, तो फिर भी आप लोग का सीट कहाँ जा रहा है भैया। 70 पर जब आप लोग नंबर लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे लोग से 70 भी नहीं आता है, 40-50 पर ही जाकर अटक जाते हैं, उन लोग से वो भी नहीं आता है, तो फिर आप लोग का जो है आखिर नंबर क्यों नहीं आ रहा, आप लोग का नाम क्यों नहीं आ रहा है मेरिट में? तो दोस्तों कारण है ग्रुप बी में सबसे बड़ा रेलवे का अप्रेंटिसशिप। देखिए क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आईटीआई पहले से किया हुआ है या फिर अगर वो आप लोग 12 में पास है तो अप्रेंटिसशिप रेलवे का हर एक साल आता है, हर एक साल क्या कहे, साल भर में क्या मंथ भर में भी, हर एक मंथ में देखने को मिलता है बहुत सारा रेलवे का अप्रेंटिसशिप हर एक जोन से आते रहता है दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार से अभी एक रेलवे का भी अप्रेंटिसशिप आया हुआ है, इसे हम अभी आप लोग को दिखलाने वाले हैं। अगर आप लोग ये अप्रेंटिसशिप कर ले रहे हैं तो आने वाले समय में ग्रुप डी में आप लोग का जो जॉब है दोस्तों वो मात्र 32 नंबर पर होगा, कितना पर, मात्र 32 नंबर पर। 30 से 32 अगर आप लोग ला दिए ना तो भैया एकदम 100% बोल रहे हैं ना जॉब हो जाएगा अप्रेंटिसशिप करने के बाद। यही कारण है कि आप लोग का जॉब नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है कि आप लोग तो भैया पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलिए भैया इस बार मेरा जो है 80 नंबर आ चुका है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं 80 नंबर आ रहा है, अब तो जो है किसी भी हाल में इस बार जॉब ले ही लेंगे ग्रुप डी में। मगर धोखा कहां पर हो रहा है, तो जो भी स्टूडेंट पहले से 10th+ अप्रेंटिसशिप जा करके कर लिए हैं रेलवे वाला, या फिर 10th+ आईटीआई करने के बाद जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है उनका जो नंबर है दोस्तों, उनके लिए कितना नंबर लाना पड़ता है, तो मात्र 30 से 32 नंबर लाना पड़ता है। और वहीं आप लोग सर पीटते रह जाइएगा फिर भी आप लोग को नंबर जो है 70 से नीचे भैया लेकर के आए, 70 से नीचे लेकर के आए तो खेला गड़बड़, नहीं होगा जॉब। क्या होगा, नहीं होगा जॉब। तो देखिए ये जो अप्रेंटिसशिप अभी आया हुआ है दोस्तों, ये आप लोग का गुवाहाटी जोन की तरफ से निकाला गया है, तो इस अप्रेंटिसशिप को समझिए कि कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और फॉर्म को फिलअप करने से सबसे पहले आप लोग को बता दिया ना, जैसे इसका कोर्स कंप्लीट होता है आप लोगों के पास सर्टिफिकेट आता है, फॉर्म को अप्लाई करिएगा ग्रुप डी का जो वैकेंसी आएगा। हालांकि अब आप लोग की बात कर ले तो देखिए रेलवे में ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो हर एक साल अब आएगी, ऐसा मत सोचिए कि अभी जो है बस साल 2024 में आया उसके बाद 5-6 साल के बाद आएगा। अब कैलेंडर जारी हो चुका है एसएससी की तरह से, जैसे एसएससी का कैलेंडर जारी होता है ना हर एक मंथ उसका जो है हर एक टाइम टू टाइम जो है वैकेंसी जारी करता है एसएससी, उसी प्रकार अब रेलवे की भी वैकेंसी आएगी, हर एक टाइम पर आएगी दोस्तों। तो हर एक साल आप लोग का अब ग्रुप डी का वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो देखिए टाइम बहुत अच्छा है, अब भैया समय के साथ बदलिए और अप्रेंटिसशिप पर ध्यान दीजिए। आइए देखिए कौन कौन इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, किस प्रकार से आप लोग जो है ग्रुप डी में आसानी से जॉब ले सकते हैं मात्र 30 से 32 नंबर लाने के बाद, और कितने समय के बाद, ये भी बतलाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर
शुरुआत करिएगा साथियों, और उसके साथ साथ बता दे अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। हम आप लोगों को रेलवे के फ्री में प्रिपरेशन और साथ ही साथ आप लोगों का यहाँ पर नए नए जॉब्स का अपडेट भी देते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आप लोग अभी इस बार साल 2024 में ग्रुप डी में फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं तो देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ जो है नोट्स मैंने रेडी किया हुआ है। पहले थोड़ा नोट्स को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है अप्रेंटिसशिप के बारे में अभी समझेंगे। देखिए रेलवे का यहाँ पर कुछ जो है ग्रुप डी के लिए स्पेशल जो है मैंने कुछ नोट्स रेडी किया हुआ है। नोट्स कैसा है तो आप लोग जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि सुरु को देखने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए तो जरा कमेंट में सभी भाई लोग कि सुरु को देखने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलियोस्कोप, ठीक है हेलियोस्कोप। उसी प्रकार आप लोग की एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो देखिये दोस्तों इसमें है क्या, हाँ है, देखिए विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप लोग ये वन लाइनर को पढ़े रहिएगा ना दोस्त तो आसानी से आप लोग एग्जाम में जाकर के जो है ऑप्शन बस पढ़िएगा ना तब तक ध्यान में आ जाएगा कि हाँ भैया इस क्वेश्चन का यही वाला ऑप्शन जो है हम सही पढ़े थे, भैया के नोट्स में हमें देखने को मिला था। तो देखिए उपकरण जो है यह विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग ये सभी सब्जेक्ट का ठीक है ऑल सब्जेक्ट का जो है वन लाइनर लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा, आप लोग को जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों। इस नोट्स में आप लोग को रेलवे से संबंधित जितने भी पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड सभी टॉपिक का आप लोग को यहाँ पर जो है सॉल्व करने के साथ साथ आप लोग को जो है सारा चीज प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन आएगा, यहाँ पर किस प्रकार से सॉल्व होगा, आंसर बी कैसे होगा, ये सारा आप लोग को देखने को मिल जाएगा इस नोट्स में। तो ये ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, इसमें जो मैथ और रीजनिंग रहेगा विद ट्रिक्स के साथ आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप लोग लेना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा, अभी हम नंबर आप लोग को बता देंगे। उसके साथ साथ अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट भी लेना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए सभी सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर आप लोग के लिए हम प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करा चुके हैं। प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आप लोगों को हम 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोग लेना चाहें तो सेम आप लोग हमारे पास कॉन्टेक्ट करिएगा, आप लोग को दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ देखिए रेलवे में जीएस से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए जीएस से संबंधित मैंने इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पर क्वेश्चन जो है डाले हुए हैं। जैसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा किरण में होता है, यहीं पर आप लोग का आंसर ये सही देखने को मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन का यहीं पर नीचे आंसर रहेगा ताकि आप लोग जीएस को आसानी से जो है याद कर सके और अपने एग्जाम को आसानी तरीके से जो है जाकर के क्रैक कर सके दोस्तों। तो अगर आप लोग को ये तीनों प्रकार का नोट चाहिए, जीएस स्पेशल 24,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए, उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग को यहाँ पर वन लाइनर और सब्जेक्ट का थ्योरी चाहिए तो आप लोगों को क्या करना होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा। व्हाट्सएप नंबर क्या है तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है नीचे इस डाटा को समझेंगे। आप लोग नंबर को नोट करिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 7870141238, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करना है आप लोग को इस नंबर पर। और व्हाट्सएप करने के बाद बता दीजिएगा अपना कोर्स कि हाँ भैया हम जो है रेलवे ग्रुप डी का साल 2024 में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो है ये फुल नोट्स है इस नंबर पर व्हाट्सएप करने के बाद मात्र 70 रुपए में प्रोवाइड कराया जाएगा। सिर्फ 70 रुपए में सभी सब्जेक्ट का दोस्तों वन लाइनर थ्योरी, सभी सब्जेक्ट का दोस्तों आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट और जीएस स्पेशल भी एक नोट दिया जाएगा इस नंबर पर, ठीक है। तो नंबर को आप सभी लोग जो है जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, 7870141238, ये क्या है व्हाट्सएप नंबर है, सभी भाई लोग व्हाट्सएप करिएगा। मात्र 70 रुपए में ग्रुप डी का फुल नोट्स आप लोग को दिया जाएगा। कोर्स जरूर बदलिएगा क्योंकि हमारे पास इंडिया के सभी एग्जाम का नोट्स अवेलेबल है, इसीलिए आप लोग ग्रुप डी का अपना जरूर कोर्स बदला दीजिएगा। अब आइए चलिए, ये जो अप्रेंटिसशिप है दोस्तों ये गुवाहाटी असम की तरफ से आप लोग का निकाला गया, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए ये आप लोग का कब से कब तक फॉर्म फिलअप होगा तो दोस्तों देखिए 4 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक आप लोग का ये फॉर्म फिलअप होने वाला है, इसी मंथ से, यानी कि अब आप लोग का जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप लोग का टोटल जो है 5,647 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है। आप लोग सीटों की संख्या देख सकते हैं, 5,647 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। आप लोग फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप लोग को ये नंबर भी देखने को मिल जाए और अप्लाई डेट भी आप लोग को मालूम चल जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए नोट से लेना हो तो जरूर संपर्क करना है सभी भाई लोग को। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अप्लाई डेट सभी लोग नोट कर लिए ना, 4 नवंबर से नेक्स्ट दिसंबर तक आप लोग का एक मंथ का है। उसके बाद देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है दोस्तों, तो देखिए आप लोगों के पास मैट्रिक में जो है 50% कम से कम होना चाहिए और उसके साथ साथ जो आईटीआई है वो आप लोग का जो है आईटीआई अगर आप लोग कंप्लीट किए हैं
तो उसके साथ आप लोग जो है यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक और आईटीआई के दोनों को मार्क्स को मिला करके आप लोग का जो है यहाँ पर जो है एक मतलब कि एवरेज एक बेस निकाला जाता है कि हाँ भैया इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आप लोग का मैट्रिक में 80% आया हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लीजिए आईटीआई में भी 80% आया हुआ है, तो अगर इसको क्या करेगा आयोग की दोनों को जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 160%। अब इसको क्या करेगा डिवाइडेड बाई टू इसको डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 80 आप लोग का जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग का यहाँ पर परसेंटेज कितना निकला 80%। इसी प्रकार आप लोग का जो है यहाँ पर मेरिट जारी होता है। ठीक है, यानी कि परसेंटेज किस हिसाब से निकलता है आप लोग समझ गए। अगर आप लोग का मैट्रिक में दोस्तों 60 आया है और आईटीआई में अगर आप लोग का 80 आया है तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया 140 आ गया, और डिवाइडेड बाई टू कर दीजिए भाग दे दीजिए भैया तो आ जाएगा 70 आप लोग का, यानी कि 70% आप लोग का यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग का मेरिट जारी करता है। अब जितना भी मेरिट दे दे वो इसके ऊपर है। ऐसे तो आप लोग का दो तीन आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आप लोग का मेरिट लिस्ट जारी होगा, दो तीन कई बार आप लोग का जो है मेरिट लिस्ट जारी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैट्रिक और फिर आईटीआई दोनों के सर्टिफिकेट को मिला करके कंबाइन करके दो से विभाग दिया जाता है, उसके बाद जितना भी नंबर आएगा वही आप लोग का परसेंटेज बनता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया 10th प्लस आईटीआई वालों के लिए, अब 12 वालों को भी मौका मिल रहा है। जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो पोस्ट है उसके लिए अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो 10th में 50% आप लोग का रहना चाहिए मैट्रिकुलेशन विथ 50%, और 12th में आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो रहना चाहिए। इसका भी ठीक उसी प्रकार से आप लोग का जो है यहाँ पर मेरिट बनता है और आप लोग का जारी होता है। ये दोस्तों अप्रेंटिसशिप आप लोग जो है अगर आप लोग आईटीआई जो है एनसीबीटी या फिर एससीबीटी यानी कि स्टेट से या फिर नेशनल से कहीं से भी अगर आप लोग आईटीआई किए हैं तो इलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार देखते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें दी गई है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग फटाफट जो है कवर कर लेते हैं। देखिए ये तो आप लोग का वैसे सीट दिया गया है कि कहाँ पर जो है आप लोग का कितना सीट खाली है, जैसे कटिहार में आप लोग का 812 है, उसी प्रकार आप लोग पढ़ सकते हैं कि रंगीरा में 435 आप लोग का सीट है। ठीक है, तो ये आप लोग अपना अपना सीट देख लीजिएगा। डिब्रूगढ़ वर्शिप में आप लोग का 814 सीट है, टोटल 5647 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है। हाँ देखिए, अब यहाँ पर आप लोग का सभी ट्रेड का नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन से ट्रेड इलिजिबल है। वैसे तो ये नोटिस लंबा है, ट्रेड बहुत ही ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसको हम टेलीग्राम पर अपने अपलोड कर दे रहे हैं। आप लोग अगर देखना चाहें तो टेलीग्राम से इसको लेकर के अपना अपना ट्रेड पढ़ लीजिएगा। वैसे अगर ऊपर बात करें तो देखिए प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, फिटर, टर्नल, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, लगभग सभी लोग जो है यहाँ पर इलिजिबल है। तो उतना नहीं सोचना है, सभी लोग जो है एलिजिबल है, आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वो तो आप लोग का आईटीआई वाला ट्रेड हो गया। अगर आप लोग 12 वाले हैं तो दोस्त देखिए सबसे पहले 10th प्लस आईटीआई के लिए सभी जो कि जितना भी आप लोग का अप्रेंटिसशिप रहेगा ना सब एक साल का करना रहेगा 10th प्लस आईटीआई के लिए। और यहीं पर बात करें अगर 12 वाले अगर फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं किस पोस्ट के लिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, तो इनको जो है 1 साल 3 महीने का अप्रेंटिसशिप करना होगा, यानी 3 महीने इन्हें एक्स्ट्रा अप्रेंटिसशिप करना होगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अप्रेंटिसशिप का फायदा बहुत होता है, दिमाग में सभी लोग को बैठा कर रखना है। अप्रेंटिसशिप अगर भैया फॉर्म को फिलअप कर दिए ग्रुप डी में, अप्रेंटिसशिप के साथ अगर फॉर्म को फिलअप कर दिए मात्र 30 से 32 नंबर लेकर के आइए ना भैया 100 नंबर में आसानी से एकदम जॉब मिलेगा। मतलब नहीं भी पढ़िएगा ना अप्रेंटिसशिप करने के बाद जॉब मिलेगा ही मिलेगा, इतना दिमाग में सोच लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे आप लोग का जो जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मेन पॉइंट कहाँ का है, हाँ चलिए यहाँ पर है। तो देखिए आप लोग का यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले 10th का मार्कशीट चाहिए, आईटीआई का जो है सर्टिफिकेट चाहिए फाइनल वाला, उसके बाद 10th प्लस 12 आप लोग का जो फिजिक्स केमिस्ट्री है बस वही वाला जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट और कुछ भी नहीं। एज लिमिट क्या है दोस्तों, तो 15 से 24 एज लिमिट है आप लोग का, यानी कि अगर मिनिमम साल 15 हो रहा है और मैक्सिमम 24 साल हो रहा है तो आप लोग फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। वहीं पर बात कर ले एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का छूट आप लोग का दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि आप लोगों का फी क्या लगने वाला है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो दोस्तों मात्र 100 रुपए आप लोगों का यहाँ पर लगने वाला है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और अगर हम लोग वहीं पर बात कर ले यहाँ पर और जैसे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए फी क्या लगेगा दोस्तों, तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए ईबीसी का है तो OBC1, ठीक है, OBC1 को जो है ईबीसी कहा जाता है, OBC1 वुमेन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, एससी एसटी को इनके लिए क्या है, इनके लिए फीस जो है नहीं लगने वाला है, सिर्फ यहाँ पर जनरल का फीस लगेगा और किसी का भी फीस नहीं लगेगा फॉर्म को फिलअप करने वक्त। अच्छा
जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ईबीसी का, उसको आप लोग का जो है कम से कम जो एनुअल सर्टिफिकेट बनता है उस पर आप लोग का 50,000 कम से कम जो है इनकम रहना चाहिए, इतना आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या आप लोगों के लिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर आप लोग का बोला है कि अप्लाई करना हो तो इसी साइट पर आप लोग का जाना होगा। आप लोग जो है साइट को नोट कर लीजिएगा, वैसे हम टेलीग्राम पर आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो लिंक है टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। ये सारा नोटिस आप लोग के लिए हम वहां पर अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग साइट जो है देख ही सकते हैं, nrfindianrailway.govt.in, यही आप लोग का ऑफिशियल साइट है जहां पर आप लोग जाकर के फॉर्म को फिलअप करिएगा। ये दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, मात्र 100 रुपए में हो रहा है, बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सभी भाई लोग फॉर्म को फिलअप करिए। और ये आप लोग का जो है कुछ यहाँ पर सीट वगैरह के बारे में मेंशन किया गया है हर एक डिवीजन का, जैसे कटिहार डिवीजन में कहाँ पर कितना कितना सीट है, सभी कैटेगरी वाइज सीटों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये सारा हम आप लोग के लिए वहीं पर डाल देंगे, टेलीग्राम से आप लोग जो है अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। और कुछ आप लोग के लिए तो कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों वो हम आप लोग को बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो जरूर एक बार दोस्तों मित्रों के पास दोस्तों शेयर करिएगा। ये नीचे आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। और अगर आप लोग के लिए रेलवे ग्रुप डी में का नोट्स चाहिए साल 2024 के लिए, तो इस नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा, 7870141238, ठीक है। इस नंबर पर क्या करना है आप लोग को, व्हाट्सअप कर देना है, और व्हाट्सअप करने के बाद अपना कोर्स बताइएगा कि हमें ग्रुप डी का फुल नोट चाहिए। अभी दोस्तों दिवाली का ऑफर चल रहा है, इसीलिए मात्र 70 रुपए में आप लोग को फुल नोट्स दिया जा रहा है, ठीक है, मात्र 70 रुपए में। अगर आप लोग को इंडिया के किसी भी एग्जाम का नोट चाहिए, एएलपी टेक्नीशियन या फिर सीजीएल या फिर एमपीएस या फिर बिहार दरोगा बिहार पुलिस, सभी का नोट्स हमारे पास मिलेगा मात्र 70 रुपए में। अभी दिवाली ऑफर है, ठीक है, तो नंबर को नोट कर लीजिए, 7870141238। चलिए दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर एक बार लाइक करके शेयर करिएगा दोस्तों मेरे पास, चैनल पर नए भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइए। मन में कोई डाउट है, कोई भी क्यूरी है, कमेंट करिए, आप लोग को हम रिप्लाई जरूर देंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।